प्रत्येक देखो ये जो है ना सवाल आपका आया था उसमें अध्याय 5 में भी आया था, ये सवाल 6 में भी आया हुआ है, दो सवाल दो बार आ चुका है इससे 6 में, क्योंकि 4 में दो सवाल था एक ही टाइप के, लेकिन थोड़ा सा अलग था पहले में, चौथे का पहला थोड़ा सा अलग था। पांचवे में आ जाओ, देखो पांचवा दिया हुआ है ना कि समाकलन पाई बाई टू और क्या हो जीरो, समाकलन पाई बाई टू और जीरो है लॉग टेन एक्स, लॉग है आपका टेन एक्स, ठीक है, डॉट क्या है डी एक्स। यहाँ पर क्या करोगे, इसको आई बराबर मान लो, सेम आपका प्रोसेस वही, इक्वेशन नंबर क्या कर दो फर्स्ट, गुण नंबर 4 हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू और जीरो, इसके बाद हो जाएगा लॉग कोष्टक में टेन हो जाएगा, एक्स का मान क्या रखोगे, एक्स का मान रखोगे पाई, सॉरी एक्स किस में से घटाओगे, पाई बाई टू में से घटाओगे एक्स को, ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स, तो आई बराबर हो जाएगा पाई बाई टू और जीरो। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा लॉग पाई बाई टू माइनस जीरो का मतलब, पाई बाई टू का मतलब क्या हो, नब्बे, नब्बे में से एक्स घटा हुआ तो आपका पहले में जाएगा, पहले में अल्फा पॉजिटिव, लेकिन नब्बे में टर्निंग होती है तो टेन की टर्निंग क्या हो जाएगी आपकी काट, तो काट एक्स हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या बना दो, सेकेंड, सेकेंड बना कि नहीं बना, अब क्या करो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ो, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है चलो जोड़ो, आई और आई क्या हो जाएगा टू आई इजकल टू हो जाएगा समाकलन पाई बाई टू और क्या हो जाएगा जीरो, इसके बाद देखो ये जोड़ना है ना इनको, तो ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स है और प्लस जोड़ना है, इसको जोड़ना है, यानी कि ये हो जाएगा लॉग कॉट एक्स, ठीक है, डॉट क्या लगा दो डी एक्स, देखो लॉग ये टोटल एम हो जाएगा प्लस लॉग क्या हो जाएगा एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन का अप्लाई होता है, यानी टू आई बराबर हो जाएगा पाई बाई टू और जीरो, लॉग एम इंटू एन यानी कि लॉग हो जाएगा एम, एम का मान क्या है टेन एक्स इंटू एन, एन का मान क्या है कॉट एक्स, डॉट क्या है डी एक्स, यहाँ से टू आई बराबर हो जाएगा पाई बाई टू जीरो लॉग, टेन को क्या लिख सकते हो साइन एक्स बटा में क्या लिख सकते हो कॉस एक्स गुणे, काट को क्या लिख सकते हो कॉस एक्स बटा में क्या लिख सकते हो साइन एक्स डॉट डी एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, साइन एक्स क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, टू आई बराबर क्या हो जाए ध्यान देना, ये हो जाएगा सीमा पाई बाई टू और जीरो, ये हो जाएगी लॉग, ये टोटल कट गया तो कितना हो गया वन, डॉट क्या हो जाएगा डी, लॉग वन है तो लॉग वन का मान कितना होता है जीरो, आपको पता है जीरो होता है ना, तो ये हो जाएगा टू आई इजिकल टू हो जाएगा समाकलन पाई बाई टू और जीरो, और ये हो जाएगा जीरो डॉट क्या हो जाएगा डी, और टोटल जीरो से गुणा करोगे तो जीरो, टू आई बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो आई बराबर हो जाएगा जीरो अपॉन टू, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा जीरो, कहीं भी इसमें लॉग एक्स आएगा लॉग वन आएगा ना, तो टोटल मान कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पर लॉग एक का मान जीरो रख के टोटल गुणा कर दीजिए, टोटल मान कितना हो जाएगा जीरो। ये रहा प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन, किसका प्रश्न नंबर जो है 5 का सोल्यूशन रहा, यानी 2 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को सोल्यूशन कराएगा, जो कि 4 नंबर में 2 था, इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा में 4 नंबर में 2 था, इसके बाद 5वां। अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे अगले प्रश्न से, यानी प्रश्न नंबर 6 से, ठीक है। तो ये आपको वीडियो यदि पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।